करेंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सफलत में हो ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप ही हैं, अपराधी से भी दूर का। यूपी के प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। बीजेपी नेता रहे उमेश पाल की हत्या में अतीक अहमद गैंग का नाम सामने आ रहा है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल एक हत्यारे को एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया है। दूसरी तरफ गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसने जेल से हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया। सीएम योगी के माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाले बयान के बाद उमेश हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों में खलबली मच गई है। बाहुबली अतीक अहमद का परिवार भी डरा हुआ है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को अतीक और अपने बेटों के एनकाउंटर का डर सता रहा है। शाइस्ता ने इस डर के चलते सीएम योगी से गुहार लगाई है। बता दें कि राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में अतीक के अलावा उसकी पत्नी शाइस्ता और बेटों के शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि शाइस्ता ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि उनका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। शाइस्ता ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की भी मांग की है। बता दें कि 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में उमेश पाल और उनके सुरक्षा गार्ड की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 13 शूटर्स आए थे। पुलिस ने इस मामले में अतीक, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता और बेटों को आरोपी बनाया है।